जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंगेस्ट्रो। आपकी हथेली पर पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर और सबसे परम पवित्र चिन्ह यानी कि स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक जो कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। स्वास्तिक जो आपको दौलतमंद, आपको तीव्र गति से सोचने वाला, निरोगी और संस्कारी व्यक्ति बनाता है। जो आपको समस्त अलंकारों से युक्त करने वाला होता है। जो आपको मानव के रूप में भी महामानव की संज्ञा दिलवाता है। स्वास्तिक यानी कि सु, अस और क, इन तीनों को मिला के बनता है स्वास्तिक। अर्थ होता है सु यानी कि अच्छा, अस यानी कि अस्तित्व और क यानी कि कर्ता, यानी कि जो मंगल करने वाला हो। शुभता का प्रतीक, मंगल का प्रतीक ये स्वास्तिक चिन्ह बहुत ही दुर्लभ होता है। बहुत ही कम व्यक्तियों में इसकी स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि ये दो रूपों में आपकी हथेली में स्थित होता है, एक दृश्य और एक अदृश्य, यानी कि एक विजुअल रहेगा और एक विजुअल नहीं रहेगा। आप कैसे जानेंगे कि आपके हथेली में है और कौन सी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन प्रकार की स्थिति बनाई गई है। कौन सा स्वास्तिक का चिन्ह आपके लिए शुभ होगा, इन सारी चीज़ों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। स्वास्तिक की जितनी इनकी महिमा का बखान किया जाए उतना कम है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनके बारे में आप स्पष्ट तौर पे काफ़ी बेहतर रूप से जानेंगे। विश्व के अत्यधिक प्रमुख जो धर्म है उनमें स्वास्तिक की गजब की महत्ता है। इनका प्रयोग किया जाता है और काफ़ी शुभता से, काफ़ी शुभ चिन्ह के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसकी निरुक्ति भी स्वास्तिक की उसी प्रकार से है, स्वास्तिक क्षेम कायति इति स्वास्तिक, मतलब कुशल क्षेम या कल्याण का प्रतीक ही स्वास्तिक का चिन्ह है। ये इतना ज्यादा परम पवित्र चिन्ह है कि जब धर्म ग्रंथ इसकी विवेचना करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, तो इसकी कई जगहों से इनके बारे में उनकी तुलना की जाती है। ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथों की तुलना की जाती है इसके अलग अलग मुखों के द्वारा। मध्य के इस भाग को श्रीमन नारायण के कमल नाभि जो है उससे इसकी तुलना की जाती है। कुछ धर्म ग्रंथों में आप जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य के प्रतीक के तौर पे इस चिन्ह को माना गया है। और जब भी किसी भी व्यक्ति की हथेली में इनकी स्थिति उत्पन्न होती है तो समस्त संसार को जीतने वाला, समस्त भयों से दूर और समस्त प्रकार के सुखों को पाने वाला व्यक्ति हो जाता है। जिसके अंदर धर्म का निवास होता है, जिसके अंदर समस्त प्रकार के जो सुख हैं, जो दैविक शक्तियां हैं उनका वास होता है, जो गुडाकेश होता है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता रखता है और नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो कैसे भी परिस्थिति में, कैसे भी आंगन में किसी का जन्म हुआ हो लेकिन वो अपने जीवन में वो गर्त में नहीं रह सकता, एक कीचड़ में कमल की मनिंदा होता है और जब आपकी हथेली में आता है तो उसी प्रकार से ये आपको ऊंची गति प्रदान करता है। इसमें देखने वाली दो तीन चीजें होती है कि आखिर चिन्ह कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का है, सही है या नहीं, वामावर्त स्वास्तिक है या जो सबसे शुद्ध स्वास्तिक की स्थिति है, पवित्र स्वास्तिक की स्थिति है वो आपके हथेली में है। जब भी ये बामें भाग की तरफ से निकलना शुरू हो जाए या बाएं भाग की तरफ झुकना शुरू हो जाए तो ये वामावर्त स्वास्तिक के रूप में यहाँ पर इसकी मान्यता हो जाती है। जब भी आपका स्वास्तिक दाहिनी की तरफ चाहे दाहिनी तरफ झुकना शुरू हो जाए, दाहिनी तरफ की इनकी गति होवे, तभी जाके इन्हें स्वास्तिक के रूप में इनकी संज्ञा दी जा सकती है, इन्हें माना जा सकता है। अन्यथा ये अशुभता के प्रतीक है। ये अगर आपके जीवन में है तो ये आपके अशुभ कर्मों की तरफ ले जाने का कार्य करती है। वही ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है तो ये आपको तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं देते हुए जीवन के जो सबसे बेहतरीन फल होते हैं वो आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। गणेश जी की पूजा की बात आप कर ले, लक्ष्मी जी की बात कर ले, सबके साथ बिना स्वास्तिक के किसी पूजा को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। और जिनकी हथेली में भी इनका वास होता है उस पर श्रीमन नारायण, माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता गणेश जी, माँ बीनावादिनी सरस्वती जी की असीम कृपा होती है। उनके मुख कमल से, उनकी वाणी से, उनके चरित्र से, उनके कार्यों से, हर तरफ से आपको
दिव्यता अस्पष्ट तौर पर झलकती है। उनका जीवन खुली किताब की तरह होता है और इतनी चमकदार होती है, जहां आप उनके सानिध्य में अगर कुछ क्षण गुजार देंगे तो आप उस क्षण को कभी नहीं भूलेंगे। चाहे आपके मन में कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी तकलीफ में आप जी रहे हो, वो क्षण आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वहां पर आसुरी शक्तियां विकास नहीं कर सकती, वहां पर सिर्फ दैविक शक्ति रहती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह कार्य करता है। और जो भी ऐसे व्यक्ति के सामीप्य, उनके सानिध्य में रहेगा, वो व्यक्ति सदैव विजय को प्राप्त करेगा। 100 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब आपके हाथों में स्वास्तिक का चिन्ह उत्पन्न होता है। अब हम जानेंगे कि स्वास्तिक का चिन्ह दृश्य कैसा और अदृश्य कैसा। देखो, सबसे पहले जब भी स्वास्तिक की बात होगी तो ऐसा मत समझना कि जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा ही चिन्ह आपके हाथों में उभर जाएगा। नहीं, वैसा बिड़ले आपको देखने को मिलेगा, एक क्रॉस की स्थिति बनी होती है सबसे पहले, ठीक है। और इस क्रॉस के बाद कुछ ऐसी हथेली होगी जिसमें आपको गहरी रेखाओं से ही ऐसी परिस्थिति जाती हुई दिखाई देगी, बहुत ही कम ऐसी हथेली होगी जिसमें ऐसी दिखाई देगी। अन्यथा जो मैक्सिमम हथेली होगी उसमें एक क्रॉस का ऐसा चिन्ह होगा, और जो आपकी इनर लाइन्स है ना, सती रेखाएं, उसका प्रभाव धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके जाता दिखाई देगा, ऐसे ऐसे करके जाता दिखाई देगा, आगे की तरफ ही जाता दिखाई देगा, नीचे की तरफ आता दिखाई देगा, ये ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा। मतलब यानी कि जो क्रॉस का साइन है ना, ये बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन इसके नीचे की जो मुड़ने वाली शाखा सब है ना, वो शाखा महीन रेखाओं के एकदम सोते के रूप में जाती दिखाई देगी, जैसे कि जल स्रोत होता है ना और उसके जो निशान होते हैं उस तरीके से दिखाई देगी। ये कभी भी आपको अस्पष्ट तौर पे नहीं दिखाई देगी, और ये आपकी हथेली के जिस भी भाग में रहेगी ना, कहीं भी रहेगी, ये आपके लिए शुभ फलों को प्रदान करने वाली है। लेकिन खासकर जो कुछ बेहतरीन जगह हैं वहां पर इनके होने से आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाते हैं और व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। सबसे तो पहले उनके अंदर आस्तिकता की वृद्धि होती है, धर्म का विकास होता है, मोक्ष की तरफ जातक अपने पैर फैलाता है, उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। जातक मानव शरीर में भी देवता के रूप में इस संसार में विराजता है, अपने जीवन को आगे की तरफ लेके जाता है। अगर अपने कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में यानी कि प्रोफेशनली जातक बहुत विकास करता है। क्या ऐसा चीज है जो इन्हें सुलभ नहीं है? इस नश्वर संसार की हर एक चीज इन्हें सर्वसुलभ है। ये अगर आपके गुरु के क्षेत्र पर होगा तो सबसे ज्यादा बेहतर और व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं आप अगर शनि के इस माउंट पर कहें तो मेरे हिसाब से अगर कहें तो जो सबसे बेहतरीन प्रभाव उसका होता है वह है शनि और सूर्य के इस पर्वत क्षेत्र पर, क्योंकि ये साक्षात रूप है स्वास्तिक का। और अगर अब हम अदृश्य दृश्य के रूप में हमने इसकी बात कर ली, अब हम बात करते हैं अदृश्य रूप में कैसे आपके पास उपस्थित हो। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अपने जीवन को, आपके जीवन के जब से आपने होश संभाला है उस समय से लेके अब तक की जो आपकी कार्य प्रणाली है, आपका जो जीवन जीने का तरीका है उससे। क्या आपको बैठे बैठे एकाएक मन करता है कि नहीं हम आध्यात्म की गति में चले जाएं, आध्यात्म की दिशा में चले जाएं, उस क्षेत्र में ही हम कार्य करें? किसी को मुश्किल में पड़े देख करके आपकी आत्मा रोने लगती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं किसी भी तरीके से उसकी मदद की जानी चाहिए, चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो? क्या आपको किसी भी स्त्री को देखकर मन में माता बहन की भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है? क्या आपको सपने में कभी भी बुरा कोई कार्य करते हुए आपने खुद को नहीं देखा है? अगर ऐसी परिस्थिति है और आप अपने जीवन में 27 वर्ष की उम्र से पहले तक 3 दफे आप मृत्यु से बाल बाल बचे हैं, तो स्पष्ट तौर पर अदृश्य रूप में आपके साथ स्वास्थ्य की रेखा काम कर रही है, जो आपके पैरों को न चाहते हुए भी जाने अनजाने धार्मिक जगहों की तरफ लेते हुए चली जाती है, धर्म के रास्ते पर लेके चलती चली जाती है। एक मैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास काम करता है और आपको सिर्फ अच्छे लोग ही मिलते हैं, चाहे जहां भी ढूंढ लो, और सिर्फ अच्छी बातें ही होती है आपके आसपास। पैसे आपके पास बहुत कम रहते हैं, और अगर बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो पैसों की स्थिति कई दफे शुरुआती एज में काफी तीव्र गति से भी रहेगी।
ऐसी विभिन्न सारी परिस्थितियां बन रही हो तो अदृश्य रूप में उनका भान आप कर सकते हैं, और उन्हें अगर देखना हो तो गुरु के इस छत्र पर देख लेना, बहुत गौर से देखना, अंदर कुछ रेखाएं दिखाई देंगी, ऊपर से नहीं, ऊपर से सब ठीक दिखाई देगा, अंदर कुछ गहरी रेखाएं दिखाई देंगी। अगर दिखाई देने लगे क्रॉस की शक्ल में तो बस समझ जाना कि स्वास्तिक का स्पष्ट चिन्ह आपके हाथों में विराजमान है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। जो लोग भी पर्सनल पाम एनालिसिस में जाना चाहते हैं उन लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर लेके फुल पाम एनालिसिस पेड एनालिसिस के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। फुल प्रोसीजर आपको बताई जाएगी, उसे प्रोसीड कर सकते हैं, पसंद आने पर आप और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सेकेंड चैनल RV एनालिसिस पे भी जाके वहाँ से भी कई सारी यूनिक जानकारी आप सीख सकते हैं, बिकॉज आप रियल एस्ट्रोलॉजी जान रहे हो, वन एंड ओनली रियल एस्ट्रोलॉजी चैनल इन यूट्यूब। जय श्री राधे।